हेलो गाइस, तो कैसे हम लोग ऐसा करते बहुत अच्छे। तो गाइस, आ गए हमें पार्ट 4 लेके। जैसा कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने बताया कि कैसे एनालिसिस होता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, क्या क्या मतलब हर चीज़ कैसे क्या करना, वो सारा कुछ मैंने बताया। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट पार्ट 3 में, आप लोग अगर जो नहीं देखे तो जाके आप देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एनालिसिस होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंड हाउस पर मतलब कैसे करके जाना है, कैसे सेलेक्ट करना है, फंड हाउस पर यहाँ पर क्लिक करना है, वो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया। तो आज हम लोग परचेज करने वाले, आज हम लोग फाइनली हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। कैसे इन्वेस्ट होता है वो फाइनली आज इस वीडियो में होने वाला। ओके, तो वीडियो में बने रहिए, बाकी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ओके, यहाँ से मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको वहाँ कैप, अगर जो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। चलो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग बाय करेंगे और फिर मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर इक्विटी फंड में आना है, इसके बाद फिर नीचे आपको मतलब कि फ्लेक्सी कैप यहाँ पर वो करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है, पे मैंने लार्ज एंड स्मॉल जो भी सिलेक्ट करना था वो मैंने कर लिया, स्मॉल कैप मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद फिर फंड रेटिंग पे आना है। फंड रेटिंग में भी आपको मैंने बताया था कि 2, 3, 4 क्या करना है, वो मैं आपको बता दिया था। ठीक है, 5, 3 और 4 था वैसे। ठीक है, उसके बाद फंड रेटिंग पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे प्लान क्या करना है, ओपन एंड इंडिया क्लोज, यहाँ पे मैंने आपको बताया ओपन एंड इंडिया, उसके बाद 5 एंड 3 एंड 4, बाकी सबको हटा देना। ठीक है, अनरेटेड को भी हटा देना है, नीचे करेंगे तो यहाँ से अनरेटेड इसको भी हटा देना। ठीक है, एक्सक्लूजन अभी नेक्स्ट, इसके बाद अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद अप्लाई करने के बाद हमें फिर से एक बार आना है अदर्स फिल्टर में। ठीक है, अदर फिल्टर में आएंगे तो यहाँ पे नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूजन रहेगा, वहाँ पे आपको फिर से मैं चलता हूँ नीचे। आपको मैं बताया था कि एक्सक्लूजन पे आपको इस दोनों पे क्लिक करने बताया था। ठीक है, ओके, तो ये क्लिक कर देंगे। अब हम फाइनली यहाँ से हम बाय करने का सीखेंगे इसके बाद हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, अब इसके बाद अप्लाई जैसे ही करेंगे तो आगे यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये खुल गया, अभी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन्वेस्ट करने का प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया था। तो यहाँ से मैंने बताया था कि कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ से यहाँ पर रेगुलर से डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट करना है इन्वेस्ट, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना है। तो बस अभी हम यहाँ से आ गए, अब यहाँ से देखो सेलेक्ट करना है कौन सा कोई एक हम लेंगे जो अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका मतलब कौन सा अच्छा है, आपको एक सिलेक्ट करके उसके बाद उसी में हम लोग इन्वेस्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे का ऐसे एक यहाँ पे ठीक है, मतलब जितना था उससे ज़्यादा है ना। इसके बाद आप देखेंगे मतलब सब चीज़ देखेंगे, मैंने जो पिछले में आपको चूज़ करने बताया उसके बाद उसी में हम लोग इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो 11,000 करोड़ तो ये भी सही है। ठीक है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे और भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और भी कुछ, कोई भी एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं। बढ़िया, ठीक है, आपको एक्सपेंस रेशियो मैंने बताया था कि 0.82 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कम है, 0.82 से ज़्यादा है और ये कम है ना, तो ये कम है, तो अभी अपन इसको इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं और भी कुछ है तो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ओपन करके फिर आपको हम दिखाने वाले। ठीक है, फिर हम लोग इन्वेस्ट कैसे होगा वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यही सही है वैसे। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है ना, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मोबाइल अपने एंड्रॉयड से करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एंड्रॉयड से करेंगे। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिलता है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम में देता हूँ। कुछ भी अब वीडियो भी अपलोड होता है तो पहले टेलीग्राम में देता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करते चलिएगा, और आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए मेरे साथ, तो मैं आपको सारा कुछ क्लियर करते चलूँगा। ओके गाइस, यहाँ से हम लोग आ जाएंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर, और एंड्रॉयड फ़ोन पर आके आपको बस सिंपली गूगल क्रोम खोलना है या फिर कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना अपने को एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड,
ठीक है, ये लिख देना है। आपको मैं वेबसाइट भी दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर आ जाएगा, ठीक है, WWAxis MF करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस पर हमको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने को इस तरीके से। तो एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लेकिन हम लोग लॉगिन नहीं, हम लोग नेट मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को नया सर्च करने मतलब नया अकाउंट क्रिएट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट साइपी यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास पिक योर स्कीम। तो हमने देखा था कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड जो मैंने सर्च किया था, जो मैंने एनालिसिस किया था, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये फ्लेक्सी कैप ये था अपना, है ना, मिल भी गया। वैसे यहाँ पे था SIP अमाउंट, चलो 5,000 है तो 5,000 ही रखते हैं, ठीक है। अनटिल टर्नओवर, तो इसको अनटिल टर्नओवर को यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। SIP डेट, आज कितना तारीख है, 26, कम से कम 26 से होगा, इसके पहले नहीं होगा। और ग्रोथ प्लान, तो सिंपली यहाँ पे ग्रोथ ही रहने देंगे, ठीक है। और बस इसको हमको सिंपली ओके कर देना, ठीक है। SIP टेन्योर, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन, 6, आप यहाँ पे सिंपली ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। अनटिल आई कैंसिल, मतलब जब मैं कैंसिल करना चाहूँ तब हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, ओके। तो जैसे हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका वाई पैन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड टाइप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही पैन कार्ड डालेंगे तो आपको आएगा जनरेट OTP, ठीक है। बिगिन स्टार्टिंग विद योर नेम, नेम पूछ रहा है यहाँ पे, नाम डालेंगे आप लोग, तो मैंने नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट एंड सबमिट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। ये मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया हूँ, तो ऑक्यूपेशन में आपको जो प्रोफेशन है वो डाल देना है, ठीक है। स्टूडेंट हो स्टूडेंट, बिजनेस है तो बिजनेस, ठीक है, जो भी आपको डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन है, टैक्स स्टेटस नो, इंडिविजुअल आर टैक्स इनसाइडर द फॉर टैक्स इन कंट्री इनसाइडर इंडिया नो। उसके बाद यहाँ पे सब पे क्लिक कर देना, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेंगे, ओके। यहाँ पे KYC पे देखेंगे, उसके नीचे जस्ट इंडियन मतलब कि आपका कौन से कंट्री में बर्थ है, आप कहाँ से हो, तो ये इंडियन कर देना, इंडियन है तो, और पाकिस्तान से पाकिस्तान जहाँ से है तो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑक्यूपेशन में बिजनेस या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका इनकम एनुअल कितना है, तो 5 to 10 lakhs, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। वैसे इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स आएगा, तो आप नॉमिनी को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग बाद में ऐड करेंगे, अभी हम लोग यहाँ से फिर जनरेट OTP बोल रहा है, ठीक है, पैन कार्ड पर बोल रहा है, OTP जाएगा, मोबाइल नंबर पर भी नहीं आया और इस पर भी नहीं आया। तो हम करेंगे यहाँ पे ई साइन, ठीक है, ई साइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट मांगेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पहले IFSC कोड डालेंगे, ठीक है। डीमेट का भी ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शनल, ठीक है, डीमेट है तो डीमेट भी डाल सकते हैं वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे और यहाँ पे क्रिएट फोलियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम क्रिएट फोलियो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप से, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, सेलेक्ट फोलियो, सेलेक्ट स्कीम्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मोड, उसके बाद SIP डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारा कुछ सेलेक्ट कर रखा हूँ, अभी यहाँ पे हाउ डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट सेल्फ डायरेक्ट, ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा आपका वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 3 ईयर 10,000 इन्वेस्टमेंट ग्रो टू इतना, मतलब 3 साल में आपने इन्वेस्ट किया तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और कितना करेंगे,
हम लोग 5,000 का कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कौन सा कितना रिटर्न्स दे रहा है। ठीक है, आपको एक्सिस ट्रिपल एडवांस, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभी दे रहा है ये सारे रेगुलर में। ठीक है, अपने को लेना है डायरेक्ट प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाई रिस्क है 13.81%। ठीक है, तो आप इसमें भी कर सकते। वैसे हमने क्या करना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना रहेगा कितना, 5,000। 5,000 मैंने कभी किया नहीं, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट इतना, SIP और कैंसिल 8 to 4। ठीक है, ये तो अलग हो गया, बाकी अपना वो किधर गया। हाँ, अभी ये सारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, हाउ डू वांट टू, मतलब सेल्फ खुद से ही करना है। ठीक है, स्कीम ये रहेगा अपना, चेंज स्कीम, यहाँ से चेंज स्कीम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको सारा कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा, मतलब जो नाम रहेगा वो आएगा। ठीक है, उसके बाद बाई सेल्फ डायरेक्ट एंड फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका, उसके बाद एक्सिस फ्लेक्सी कैप में फंड में जो मैंने रिसर्च किया था। ठीक है, एक्सिस ट्रिपल एडवांस फंड SIP प्लस लमसम, ये तो अलग चीज़ है भाई। ठीक है, ये तो नहीं चाहिए अपने को मंथली। ठीक है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके बाद फिर अपना इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मैक पेमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मैक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आई वांट टू पे विद माय इंस्टॉलमेंट एंड राइट नाउ। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम ओके करते हैं, इसके बाद देखते हैं हम कैसे पेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मांग रहा भाई नेट बैंकिंग, और ये मेरा इस बैंक का नेट बैंकिंग तो आई थिंक कैंश्योर कि नहीं ही है। ठीक है, वैसे तो मुझे कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा, देखते हैं हम UPI का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, हम थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, हमने बैक किया अभी, फिर से वापस इसने लॉगिन करने बोल दिया जब मैंने बैक करा तो। ठीक है, पर कोई बात नहीं, जब बैक किए तो फिर से हम लोग लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपना वहाँ से, एंड्रॉयड से अपना नेट बैंकिंग का इशू था, तो अभी हम लोग वापस यहाँ से लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, वापस डेस्कटॉप में, या फिर आप गूगल क्रोम में भी डेस्कटॉप मोड करके ना आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आ गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड लिखेगा तो आपको आ जाएगा, गलत भी लिखेगा तो भी सोइंग रिजल्ट में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, और जैसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपको खुल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड आपको पूरा इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैन लॉगिन कैसे करना है, तो पैन डाल के OTP अलाउ करके यहाँ पे पैन डाल के ले लेना है। ठीक है, लॉगिन यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम डाल देते हैं एक बार। अभी OTP आएगा, थोड़ा वेट करेंगे। तो लॉगिन हो चुका है, और यहाँ से देखो UPI का ऑप्शन दे चुका है। ठीक है, मैंने पिछले बार जो अभी किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे UPI का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वही बैंक रहेगा, और नीचे आपको यहाँ पे ओके करके, जिसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नाउ का वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने अभी देखा यहाँ पे गलती क्या हुआ, 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कि अपना 5,000 होना था। ठीक है, तो वापस इसको मैं कैंसिल करूँगा एक बार, और इसके बाद फिर से मैं जाऊँगा। ठीक है, अपना गलती हो चुका है, इसलिए मैं फिर से करता हूँ, एक सेकेंड बैक करूँगा, और फिर से आई थिंक हाँ फिर से यहाँ पे आ गया। UPI करेंगे, पहले अमाउंट चेंज करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर से वही गलती हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 कर दिया, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अपना ये क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्वेस्टिंग, ये अपना फोलियो नंबर, आपका जो जो अपने एक्सिस बैंक में वो करना है वो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको छेड़ना नहीं है, यहीं पे ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ चीज़, ग्रोथ, सेल्फ डायरेक्ट, ये सब, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये सबको आपको देखना, वैसे कुछ छेड़ना नहीं है वैसे। ठीक है, एक्सिस फ्लेक्सी यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, वैसे जो है वही रहने देना। ठीक है, तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैंने कर दिया, यहाँ पे ग्रोथ है तो ग्रोथ ही रहने देना, सेल्फ डायरेक्ट तो यहाँ पे सेल्फ और डायरेक्ट ही रहने देना। ठीक है,
ये सब कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ लुमसुम से यहाँ हटा देना, SIP पे क्लिक करना, ठीक है। और अपना अमाउंट 5000 होना चाहिए। यहाँ से फिर से 5000 करेंगे, ठीक है। वैसे कम भी कर सकते हैं आप, 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5000 से ही कर सकते हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं SIP टेन्योर पे, यहाँ पे देखते हैं इंस्टॉलमेंट में मतलब आ गया, ठीक है। 6 मंथ का या कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं ऐसा, तो अपने को ये चीज़ हटा देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल पे ही रखेंगे अपना, जब मर्जी जब कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलो मैं वापस आते हैं पेमेंट पे। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली फिर से आपको नीचे जाना है, और नीचे आपको दिख रहेगा आई हैव रीड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्टेड टू टर्म। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आपको चेक कर लेना है, ठीक है, क्या क्या है सेलेक्ट किए हैं या नहीं। हर एक एक चीज़ को मतलब हर एक चीज़ को फिर से करके यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे UPI का ऑप्शन आ गया। UPI से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपली स्कैन QR स्कैन कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, स्कैन करके पेड करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कर दिए सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये रिफ्रेश हो जाएगा अभी यहाँ पे कन्फर्म, ये आपको दिख जाएगा। तो ऐसा फीडबैक आएगा तो आप फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो, 2 स्टार 3 स्टार जो भी है, जो अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कट कुट करके आप यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखा, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली SIP, ठीक है। तो इसका आप फोटो ले लेंगे और URN नंबर का आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या फोटो ले लेना, ठीक है, ये आपको बाद में काम देगा। तो ये आपको कुछ देर के बाद यानी कि कुछ घंटों में आपको पोर्टफोलियो में ये शो हो जाएगा, ठीक है, कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना परसेंट ग्रोथ है। और इसी तरीके से आपको हर महीने आपको पे करते रहना है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में समझ में आया होगा। अगर जो इसके बाद ही समझ में नहीं आया गाइस, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, मैं आपको फिर से आपको एक अच्छे से फुल वीडियो के साथ मतलब उसमें सारा मैं शुरू से लेके अंत तक फिर से बताऊंगा, ठीक है। अगर जो समझ में आ गया हो तो सही है, नहीं आया तो फिर मेरे को बताना, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखे, वीडियो का अच्छा लगा तो बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर जो टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी फिर कुछ नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल गाइस।